गुरु पातशाह जी सानू अपने दर घर का सब तो वड्डा ते सब तो महान उपदेश दे रहे हैं। ये बेनती मैं इस करके कर रहा क्योंकि अपने नाम दे नाल गुरु का नाम जुड़िया हुआ है। सानू संसार दे विच दुनिया सिख कहती है, सारी दुनिया नू पता कि आपां गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे दर घर दे सिद्धांत दे फॉलोअर हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी साडे इष्ट ने, साडे गुरु ने, ते जे सानू कोई किसी होर धर्म का बंदा पुछ लवे कि गुरु नानक दे घर की सब तो वड्डी मत की है, गुरु नानक दे घर का सब तो वड्डा उपदेश की है, गुरु नानक दे सिद्धांत का मूल सार की है, तो साडे कोल जवाब होना चाहिए जय हर सिमरन भया तै उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर ए मत दीनी जप हर भवजल तरना। बेनती समझियो आपां ए जवाब देना है कि गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सब कुछ समझा के अखीर विच सब तो वड्डी गल ए समझाई है कि जेड़े हिरदे विच परमात्मा दा नाम वस गया वो हिरदा इतना पवित्र हो गया, उस हिरदे दे विचों जेड़े औगण हन वो अपने आप छड़ के चले गए। जिस घर दे विच सफाई होवे ना गुरमुखो, उत्थों कीड़े मकौड़े आप ही दौड़ जांदे ने। जेड़े घर दे विच सफाई है नहीं, उत्थे मच्छर भी पैदा होणगे, उत्थे भांत भांत दीआं छिपकलियां ते कीड़े मकौड़े आप महारे ही तुरे फिरनगे। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ये जेड़े औगण ने ना जीवन दे विच, उस दिन तेरे जीवन तो आप ही उलांभे हो जाणगे, तेनू छड़ के चले जाणगे, जदों तेरे हिरदे नू साफ करन वाला नाम तेरे हिरदे विच आके वस गया। जय हर सिमरन भया, जिथे नाम आके टिक गया तह उपाद गत कीनी, उत्थों उपाधियां ने अपनी रवानगी कर ली, औगण छड़ के चले गए। पर यह बात प्राप्त किन्हां नू होई, ये अवस्था मिली किन्हां नू, वड भागी हर जपना जिन्हां दे वड्डे भाग हन उन्होंने परमात्मा दे नाम नू जपिया। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे जन नानक कौ गुर ए मत दीनी जप हर भवजल तरना। परमात्मा दा नाम जप के संसार समुद्र तो पार होना है, साडे गुरु ने सब तो वड्डी मत सानू यही बख्शिश कीती है। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे सन प्राणी एको नाम त्यावो अपनी पत सेती कर जावो रहाओ। महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे विच एक नाम की गल बहुत बारी कीती है, हे प्यारिया तू अपने जीवन दे विच कार्ज सारे करने हैं, जिम्मेवारियां सारियां निभाउणियां, समाज प्रति, परिवार प्रति, राजनीतिक ढांचे प्रति, जो तेरियां जिम्मेवारियां ने तू पूरी सुहिरदता दे नाल उन्हां नूं निभाउणा है। पर याद रखी तेरे ध्यान विच, तेरे जेहन विच उस परमात्मा दे नाम दा पहरा लगा रहना चाहिदा है। जदों तेरे ध्यान दे मंडल विच नाम टिकिया रहेगा ते तेरे दुनियावी कार्ज भी बड़े पवित्र होणगे, तेरे परिवारक कार्ज भी बड़े पवित्र होणगे, तेरे राजनीतिक कार्ज भी बहुत ही पवित्र होणगे, उन्हां दे विच फिर किसे तरह की मलीनता नहीं होगी। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने एक नाम की गल बारंबार कीती है, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। किन्नियां कु पंगतां आपां
तुकां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी विचों लईए, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस एक नाम नूं सिमरन की गल की है जिथों गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की आरंभता हुई है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पहला अखर एका पाया गुरु पातशाह जी ने सानू एक नाल जोड़िया। ते अज मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी उपदेश दे रहे ने, प्राणी एको नाम त्यावो, ते नाम नूं त्याग के मिलेगा कि महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे अपनी पत सेती घर जावो। जे तू नाम नूं त्याएगा, नाम नूं सिमरेगा, ते इज्जत नाल, पत नाल, सोभा नाल तू अपने घर विच जाएगा। हुण इत्थे सवाल पैदा यह हुंदा है कि घर तां असीं हर रोज ही जाने हैं, पर नहीं गुरमुखो, जदों आपां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे नाल जुड़ांगे ना, जिन्हां घरां दे विच असीं हर रोज जाने हैं, ये साडे शरीर दे रहण वास्ते सानूं कुछ समें वास्ते मिले ने, पर जो साडा असली घर है उस घर की गल करदिआं होइआं सतगुरु सच्चे पातशाह जी हर रोज सानूं उपदेश दिंदे ने, जा को आए सोई बिहाज हो, हर गुरते मन है बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे, बौर ना होए गो फेरा। तेरा जिहड़ा असली घर है ना, तेरा असली जिहड़ा टिकाणा है, वह परमात्मा दे चरणा विच है, उहदी हजूरी विच है, उहदे कोल है, जिहदी बाबत गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू उपदेश दिता अज दे पावन शब्द दे विच। आपां सारे पढ़दे हां ना, नानक वधा घर तहां जिथे मृत ना जन्म जरा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे मैं ते अपना घर उस दुनिया दे विच बनाया है जिथे ना मौत है, ना बुढ़ेपा है, ते ना किसी तरह की कोई बीमारी पहुँच सकती है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू भी उपदेश देंदे ने, प्यारिया तू परमात्मा दे नाम नू सिमर, ते नाम नू सिमर के आदर दे सहत, सोभा दे सहत, पत दे सहत उस घर दे विच प्रवेश प्राप्त कर। पर जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मनुख दी हालत नू तकिया है, क्योंकि गुरु पातशाह जी हिरदे दी जानदे है, अंदर दी जानदे है, ते मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जदों देखिया कि यह मनुखा जन्म धारण करके धरती ते आने वाला जिहड़ा प्राणी है, इन्हें इस धरती दे उत्ते आ के अपने जीवन दे मकसद नूं विसार दिता है, यह अपने राह तों भटक चुका है, तां मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू सभना नूं मुड़ के उस राह दे उत्ते लैके आउण वास्ते सानू हलोण के जगाया, कटाक्ष करके सानू झंझोड़ के जगाया। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहन लगे खाणा पीणा हसना सौना विसर गया है मरना। ध्यान देना, गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह नहीं किते भी आख्या कि खाणा छड्ड दिओ, पीणा छड्ड दिओ, जां हसना छड्ड दिओ, सगों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते कह रहे ने कि परमात्मा दे हुक्म दे अनुसार तुसी सोहणे घरां दे विच रहना है, 36 प्रकार दे भोजन छकणे ने, सोहणे वस्त्रां नूं अपने तन दे उत्ते हंडाउणा है, पर करना की है, जे प्रसाद छतही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। ये नहीं कि तू चंगे भोजन नहीं खा सकदा, चंगे वस्त्र नहीं पहन सकदा, चंगे मकान विच नहीं रह सकदा, जिहे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर। तेरे अंदर दी अवस्था यह होनी चाहिए है कि तू मकान विच रहिंदा होया मकान दे नाल जुड़ ना जावे, बल्कि जिन्हें तेनों मकान दिता, जिन्हें तेनों घर दिता, जिन्हें तेनों परिवार दिता, जिन्हें तेनों संसार दिखाया, उस निरंकार दे चरणा दे नाल तू जुड़िया रहेगा।